प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल नौशीन खान। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नौशीन381। तो आज मैं आपके सबके साथ ट्रिच अप नेचुरल शैम्पू हेल्दी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग का रिव्यू शेयर करूँगी, और साथ साथ मैं आज आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी। ये वर्सेस में होने वाला है कि दोनों में से कौन सा शैम्पू अपने लिए यूज़ करें। तो एक शैम्पू है ट्रिच अप हेयरबल शैम्पू, इसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इन दोनों में से आपको कौन सा शैम्पू अपने लिए लेना है वो आज मैं आपको इसकी वीडियो में बताऊँगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे चैनल को एंड तक देखिए हर वीडियो। चैनल पे ऑलरेडी ट्रिच अप एक शैम्पू हेयर फॉल कंट्रोल का रिव्यू ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो गाइस, मैं आपको ट्रिच अप नेचुरल शैम्पू के बारे में बता दूं, ये जो शैम्पू है इसमें ये सिलिकॉन पारवन फ्री है, तो बहुत अच्छी बात है ये। इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये सिलिकॉन और पारवन फ्री है, प्लस इसमें हेना है, नीम है और इसमें एलोवेरा है। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स गाइस हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे हेयर को सॉफ्ट एंड शाइन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे हेयर को कंडीशनर करने में हेल्प करते हैं, हमारे हेयर को मज़बूत बनाने में हेल्प करते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इसमें। कोई एक और चीज़ बता दूँ, 18 प्लस के लोग ही इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये मेन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेन यूज़ कर सकते हैं या वुमेन यूज़ कर सकती है, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए ही बना हुआ है ये प्रोडक्ट। तो या गाइस, और अगर मैं आपको कहूँ तो ये अच्छा है खासा मुझे प्रोडक्ट लगा, मैंने इसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये सूट करे, आपको समझ में आए कि आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है, देन आप परचेस करो, वरना आप ना भी करो तो चलेगा। मैं आपको ये ट्रिच अप हर्बल शैम्पू के बारे में बताऊंगी। इंग्रेडिएंट्स जो है वो दोनों में ही सेम है, हेना और नीम और एलोवेरा, ये तीनों ही प्रोडक्ट जो इंग्रेडिएंट्स है ये इसमें शामिल है। गाइस, ये भी दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, मेन वुमेन दोनों ही, और ये भी एक हर्बल शैम्पू है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। और गाइस, अगर आपको ये जानना है कि ये जो है शैम्पू ये आपके बालों को लंबा करेगा या झड़, देखिए सबका हेयर अलग अलग होता है, सबके हेयर टाइप अलग अलग होते हैं, किसी का ड्राई हेयर होता है, किसी की सेंसिटिव हेयर होती है, किसी की ऑयली हेयर होती है। तो ज़रूरी नहीं कि सबको सब कुछ सूट करे, सूट करने पे डिपेंड्स करता है कि हमारे हेयर पे कौन सा शैम्पू सूट कर रहा है। बात करूँ तो मुझे ट्रिच अप शैम्पू हर्बल जो शैम्पू है वो सूट नहीं हुआ, बट मुझे जो वो वाला शैम्पू है वो सूट हुआ, देन तो मेरे लिए वो शैम्पू बेस्ट हुआ और मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया है। तो ये दोनों में से कौन सा शैम्पू आपको लेना चाहिए वो आपके हेयर पे डिपेंड करेगा। वैसे तो ये हेयर टाइप है, आप दोनों ही यूज़ करके चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। नेचुरल शैम्पू मुझे सूट हुआ है गाइस, मैं बताऊंगी आपको, और मुझे ये शैम्पू अच्छा लगा है। आप भी एक बार चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा शैम्पू लेना है, कौन सा बेस्ट शैम्पू है आपके लिए। तो आपको जो शैम्पू लेना है आप ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ट्रिच अप नेचुरल शैम्पू आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे ट्रिच अप नेचुरल शैम्पू अच्छा लगा, बेस्ट लगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर कीजिएगा। बाय गाइस।